पाकिस्तान 2019 से पेमेंट है वो अपने सेवा दल का नाम क्या था, कैसा झूठ कैसे, मेरे को तो सबूत है वो सब पूरा लिखा पड़ी है, झूठ बहुत बोलो, झूठ तो लोग ना बनता है, मेरे पास तो लिखा पड़ी भी है ना, और काम दरवाजे थाना खाते पर मैं कर रहा हूं जैसे भी हमें पास स्टोरी है साहब। यहां पे मतलब खाएंगे लेकिन पैसे नहीं चुकाएंगे। पूरा मामला ये अजमेर का है। इस शख्स का नाम है मिलन खंडेवाल। केटरर हैं और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सेवा दल के नेताओं पर। कहते हैं कि 2 साल से बकाया पैसा मांग रहे हैं लेकिन ये सेवा दल वाले पैसे ही नहीं देते। सर 2019 में सेवा दल था यहाँ सिसराम स्थली में अधिवेशन हुआ था 35 साल बाद 2019 में 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मेरा काम था। मैंने 2.5 लाख आज में तो थाना चलाया था, तय हुआ था मेरा। रघु शर्मा जी ने भी मुझे आश्वासन दिया था, मेरे पास सारे सबूत है। 70 लाख में तय हुआ था, 35 लाख रुपये दिया, 36 लाख रुपये बाकी है। मुझे 2 साल से परेशान किया जा रहा है, मैं ब्याज भर भरते बर्बाद हो चुका हूँ। एंड में मुझे ऐसा लगता है मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, इतना परेशान हूँ। ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है, ये टोंदेस वाले मुझे नचाते हैं, इधर उधर रोड डेली बुलाते हैं। जयपुर में 10 बार जाया, गहलोत जी तो ज्ञापन दिया आया, रघु शर्मा जी तो ज्ञापन दिया आया, पहले भी न्यूज़ में आ रहता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, दुख होता है, मैं आत्महत्या करता हूँ। इतना जिम्मेदार रघु शर्मा जी, हेम सिंह जी और ये अपने ये लाल जी जैसा ही रहेंगे, बोले देंगे, अभी बोले तुम ज़्यादा पैसे ले तो काम करवाने के बाद थाना था लिया, फिर उसके बाद बोले पैसे डबल ले लिए। ये नीयत है कांग्रेस की, थाना डालो पैसे मत दो, ये ऐसी चोर पना चलती है कांग्रेस पार्टी। दरअसल इस शख्स का आरोप है कि साल 2019 में कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, खाने पीने के लिए 71 लाख रुपए का ठेका दिया गया, 35 लाख रुपए तो तुरंत दे दिए गए, लेकिन 36 लाख रुपए जो कि अभी तक बकाया ही है वो दे ही नहीं रहे। मांग 2 साल से की जा रही है कि पैसे दे दीजिए, लेकिन सेवा दल की ओर से अब तक पेमेंट नहीं की गई। अब जब सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई आए तो इस शख्स ने हंगामा उनके सामने ही शुरू कर दिया। मैं तो परेशान 2019 से पेमेंट है वो अपने सेवा दल का नाम क्या था, झूठ कैसा, झूठ कैसा, मेरे को तो सबूत है वो सब पूरा लिखा पड़ी है, झूठ बहुत बोलो, झूठ को तो लूटना बंद करो, मेरे पास तो लिखा पड़ी भी है ना, आप भी डबल पेमेंट आप कर रहे हैं, काम दरवाजे थाना खाते से मिल लो, और काम दरवाजे थाना खाते पर मैं कर रहा हूं जैसे भी हमें पास स्टोरी है साहब। यहां पे सीधे सीधे चेतावनी भी दे दी है कि या तो पैसे दे दीजिए, वरना खुदकुशी अगर की तो जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सेवा दल के नेता होंगे। तकरीबन 2 साल से ये शख्स पैसों की मांग कर रहा है, लगातार दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक पेमेंट नहीं की गई है और इस वजह से इस शख्स के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। काम दरवाजे थाना खाते पर मैं कर रहा हूं जैसे भी हमें पास स्टोरी है साहब।